नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां CHC में प्रेरणा कैंटीन चलाने वाली महिला ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। तैनात कर्मचारी ने मामले को निराधार बताया। आपको बता दें तो थाना क्षेत्र के सिलरापट्टी गांव निवासी संध्या गौड़ पत्नी रवि गौड़ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को शिकायती पत्र लिखकर अस्पताल के ही कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वह प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अतरौलिया में स्वयं सहायता समूह दीदी कैंप चलाती है। CHC अतरौलिया में तैनात कर्मचारी शिव कुमार यादव कैंटीन चलाने के एवज में उससे आए दिन लगभग एक वर्ष से रिश्वत लेते आ रहा है। अभी तक 1,32,000 की रिश्वत ले चुका है। वहीं दिनांक 20/3/2024 को कर्मचारी शिव कुमार ने पीड़ित से 20,000 रिश्वत लिया है, जिसका ऑडियो क्लिप व वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में संध्या गौड़ आरोप लगाने वाली महिला और डॉक्टर शिव कुमार यादव BCM ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। सर, यही हमारा आरोप है कि हम जैसे महिला को सरकार रोजगार दे रही है और हम सरकारी कैंटीन अपना सरकारी अस्पताल में कैंटीन चला रहे हैं, उससे हम अपने बच्चे परिवार को देते हैं। हम सब विकलांग हैं। ये कब से कैंटीन चलाती है? कैंटीन एक साल से चल रहा, 2023 से चल रहा है। और ब्लॉक वाले भी राजकुमार सर हमारे सहयोगी हैं, जब भी वो हमें बोले कि विकलांग है, इसको दे दिया जाए, ये अपना कमाए खाए। वो तो हमारे लिए भगवान है वो, और ये परेशान कर रहे ये सब। कौन परेशान कर रहे? राजकुमार, ये शिव कुमार यादव। क्या है ये सगा? क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही, हर महीना पैसा मांगते हैं हमसे, अगर हम नहीं बीच में उधार देते गए, बस हमारी मजबूरी थी, हम उनको दे रहे थे। कितना पैसा दिया? कभी 30,000 लेते थे, कभी 20,000, तो कभी 12,000, ऐसे ऐसे करके दे रहे थे। तो हम जब देने के लिए मना किए तो बोले कि हम तुम्हारे कैंटीन हटवा देंगे और दूसरे को लगवा देंगे। यहाँ का रूल है, ये चला है और चलेगा, आपको देना पड़ेगा। अभी कितना पैसा आपने दिया जिसका ऑडियो वीडियो वायरल हुआ? जी दिए 20,000। 20,000 दिए? कहाँ पे दिया? एक ही वीडियो बना पाए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा चक्कर ना हो रहते थे, हम नहीं बना पाते थे, लेकिन मौका दे कि एक वीडियो कैसे बना लिए। ये कहाँ पे दिए पैसा आपको? पैसा उनके ऑफिस में जाके दिए, बोले कि हम इधर उधर नहीं लेंगे, आप हमारे ऑफिस में जाएंगे। यही चाहते सर कि जो हमारे साथ हुआ है और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके चैम्बर में कुछ पैसे गिनते हुए वो वीडियो में दिखाया गया। जी, इसके लिए खंडन हमें ये करना है कि वो हमारा दिया हुआ पैसा था और हमने जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं उनके पास पैसे नहीं थे, और बीच में पैसे हमारे उस अकाउंट में भी नहीं थे जो जहाँ से पैसा उनका निकाल के दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमको पैसे आप कुछ दे दीजिए जिससे कि हम अपनी व्यवस्था चला सकें। तो हमारे द्वारा वो पैसा दिया गया था और वो पैसा हमने उनसे, जब उनके खाते में पैसा गया, उनके द्वारा एक चीज़ ये कही गई थी कि सर पैसा यहीं से आप ही भिजवाते हैं और जब पैसा जाएगा हमारे खाते में तो अब मैं आपको पैसा ले आकर के वापस दे दूँगी। तो वो पैसा मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी दिनों तक लटकाए रखा। उसके बाद एक दिन हमने कुछ उसमें आ करके उनको थोड़ा सा बोला, जब तो वो गुस्से में आ करके हमारा पैसा लेकर के आई और हमारे ऑफिस में आई और वहाँ पर पैसा वो दे करके उन्होंने हमें फर्जी तरीके से फंसाने के लिए उन्होंने अपना वीडियो हमारा बना लिया और उसके बाद उसको उन्होंने वायरल किया, जो कि तथ्यविहीन है बिल्कुल। और जो भी पैसा मेरे द्वारा दिया गया था मैंने वही पैसा लिया है, जबकि वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई इस तरीके की कोई भी किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं है, केवल लेन देन की बात है कि मतलब हमारा जो है वो दे दीजिए आप। जैसे वीडियो में कई बार पैसे की गिनने की बात कही जा रही है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मतलब आप गिन लीजिए, कहीं आप फिर बाद में हमें ना कहें कि मतलब ये नोटें आपकी कम है। महिला ने और भी आरोप लगाए हैं आप पे कि ये पैसे मेरे थे, मुझे खाना बनाने के नाम पे मुझसे पैसे मांगे गए। ऐसा बिल्कुल ये आधार विहीन है, ये पूरी तरीके से निरर्थक है। जो भी कहा जा रहा है वो बनी बनाई बातें हैं, उसमें कोई भी तथ्य छुपा नहीं है।